दीदी के यहाँ कराते पटाखे मत नहीं हुए कहा था। और ऐसे पानी को लेके जाएंगे यहाँ से क्यों अभी गांव में फिर विश कर पैसा बट रहे हैं पैसा ले लो सुबह की मंडी चकाचक लो विवेक और फाफा राम राम गुड मॉर्निंग और सब कैसे आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। गाइस आज आपको घुमाएंगे हम समोला गांव। यहां पे सोनी आई अपने जीजा जी के यहां पे दीदी के यहां पे समोला की सैर कर रहे हैं अभी गाँव में घूम रहे हैं। और यहाँ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे चलिए। और हमारे साथ में है रागिनी। रागिनी घुमा रही है गाँव को है ना सोनी दीदी की लड़की है रागिनी तो इनके साथ में ही घूमेंगे। और अभी हम गांव के बाहर आ गए दगरे में जो कि कल हमारी बाइक इधर इधर उधर को भाग रही थी ना वही वाले रास्ते पे हैं कच्चे रास्ते पे। तो काफ़ी अच्छा लगेगा देख के आपको गांव की सैर करके आए सुबह सुबह की। अभी खेतों में अभी क्या है ना सरसों बो दिए अगर ये हरा भरा होता ना और गजब का लगता लेकिन अभी भी कम नहीं है क्योंकि गाँव तो गाँव ही होता है। अभी देखो अभी आ गए हम और वो देखो शिवानी पानी भर रही है और शिवानी की मम्मी अभी पानी लेके जा रही है और इधर कुआ से पानी भरते हैं देख लो पानी तो यही मेरे बता रख दो कितनी दूर है घर से कितनी दूरी पे आए पानी भरने के लिए। अभी सुबह का काम तो यही रहता है कि पानी भरना है कैसे भी करके उसके बाद में जो कुछ बाकी का काम होगा। हाँ कहा आएगा पटाखे मत नहीं हुए कहा था है कितना ओड़ो भाई जी ये देखिए पानी तो भी पक्का है ये आरसीसी का बना हुआ है और ऐसे ही पानी भरते हैं गांव में ज़्यादातर। सुबह सुबह यही काम रहता है पहले पानी भरने का सबसे बड़ा काम। और का पानी तो खैर हम भी खींचते हैं पर हमारा ये है कि ऊपर ही है पानी वो तो घर में ही है कुआ छोटा सा लेकिन ये कुआ बड़ा है यहाँ पे पूरा गांव पीता है इधर से आके। जिनके घर में समर है वो नहीं आते लेकिन समर सेवल नहीं है उनके घर में उनको आना पड़ता है। और ये धौलपुर के पास में ही जादू नहीं धौलपुर से करीब तीन किलोमीटर के करीब होगा क्या 2 किलोमीटर है 3 किलोमीटर है लेकिन अभी भी इस गांव में कोई टंकी की व्यवस्था नहीं है। टंकी बन जाए तो बढ़िया रहेगा नल फिटिंग हो जाए। और ऐसे पानी को लेके जाएंगे यहाँ से क्योंकि दूरी ज़्यादा है ना तो साइकिल पे लटका के ले जाएंगे। देखो राहुल वो हाँ राहुल जी लेके जाएंगे अभी राहुल को काम पानी भरवाएगा सभी सवेरे हैं चलो भरेगा पानी। चलो गाइस अभी हम चलते हैं घर की तरफ और गांव में मैं भी दिखाऊंगा आपको गलियां रात में तो जैसी दिखी अभी आपको दिखाऊंगा सुबह सुबह। हाँ अब इसकी खोपड़ी वहां तक जाते जाते दर्द करने लगेगी लेकिन इसको आदत पड़ रही है शिवानी को अभी चलो लटका के ले जाएगी परेशान नहीं होगी वहां तक है सोनी मुड़े पर रख ले जैसे दीदी रख के ले जा रही है रख ले। और क्या है उधर से आए थे हम शॉर्टकट में और इधर से जा रहे हैं सीधी रास्ता। और खेतों में पानी लग रहा है फसल के लिए। गांव में ऐसी ठंड पर उठी अभी थे आज गाने लग गए गांव ने भाई अंकल जी राम राम मैंने कही ठंड पर भी लग गए गाने लग गए अभी गांव में फिर विश कर रहे हैं। कैसा लगा समोला गांव बताना कमेंट में। लो जी पहुंच गए घर पे और ये है पतली पतली गलियां गांव की गुड़िया बत्र मांझ रही है अभी हम चाय बनाते हैं चाय है? लाली बोल रही है चाय गरम कर दो चाय इधर आओ जल्दी गाओ कर ले। ये देखिए गाइस ये बताइए हमारी अंजी बुजिया कैसी ले रही है आज देखो पैंट शर्ट में है और गुड मॉर्निंग भी नहीं कर रही है सुबह सुबह की हाँ शर्म लग गई मौसी घर पे आके। आज तो जीजा जी की मिठाई खा रही है सोनी देख लो सुबह ही सुबह नाश्ता मिठाई का आप लोग
खा लीजिए मिठाई। योगेश और रंजू का खाना पीना चल रहा है क्योंकि जाते ही अभी लेट हो जाएंगे ना, हम स्कूल भी जाना है इनको, तो इसीलिए हम जल्दी निकलेंगे। फिर खाना पीना इधर से खा के चलेंगे। देखो दावत बन गई। अरे वाह, गोभी आलू की सब्जी, मिठाई साथ में। अभी चाय बन रही है, बस चाय पी के घर निकलते हैं। स्कूल के टाइम तक पहुंचना ही पहुंचना है हमको घर। चाय पिलो गाइस, सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ। अभी चाय पीते हैं, और चाय बन चुकी है। हाँ, टोस के साथ में, देखो टोस भी। पैसा बट रहे हैं, पैसा ले लो, पैसा बट रहे हैं। तो बात है, खुले मणि मणि अंदर पी चलते हैं घर पे गाइस। इस समय 8 बज गए, फिर बच्चे लेट हो जाएंगे। निकाह सुना दे रो भाई। हाँ, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। कॉमेडी करते, कॉमेडी खत्म, कॉमेडी लम्बो दे दे आओ दे। हेलो ला दे दे खैरे ला ला। ऐ शाबाश, बहुत बड़ा हो बेटा, ले खा ले खा ले। माँ घूम के जाएंगे, माँ घर आ जाएंगे। काय लाली काय कंचा से बताइए, माँ बताने जा रहा सर माँ गए। भाई सभी निकलते हैं, और देखो निकलते निकलते भी सॉरी धोती ले आई, एक धोती मिल गई उसको, बेदाम है हम के लिए पुआ भी हो गए। चलो अभी हम निकल रहे हैं। चलिए गाइस, अभी घर जाने से पहले आपको क्या करते हैं कि समोला गांव की प्यारी प्यारी गलियां हैं उनको आपको घुमाते हैं, यानी समोला गांव के दर्शन करवाते हैं। तो आपको सुबह के नज़ारे काफ़ी सुंदर लगेंगे गांव के देखने में, और ये गांव का माहौल है, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, सुबह के काम चल रहे हैं, और ये हैं गांव की पतली पतली गलियां। गांव की लोकेशन आप सभी को कैसी लगी ये कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। जब आपके सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं तो हमको भी पढ़ के बहुत खुशी होती है। जैसे आप देख सकते हैं बच्चे टायर लेके खेल रहे हैं, आपने भी खेला होगा तो कमेंट करना। और यहाँ की हरियाली देख सकते हैं गांव की। तो अभी हम निकल चुके हैं धौलपुर के लिए, तो अभी हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। ये ट्रैक्टर जा रहा है करव का भर के, यानी भैंस का चारा, बाजरे का जो करव होता है वही। अभी हम पहुंच गए धौलपुर में। तो ये है धौलपुर का क्रॉसिंग रेलवे फाटक, अभी इसको क्रॉसिंग करेंगे। और ये रोड सीधा गया है सरकारी हॉस्पिटल के लिए, तो सरकारी हॉस्पिटल पे होते हुए निकलते हुए हम जाएंगे घंटाघर वाले रोड से। लो जी, अभी कीजिए आप धौलपुर के दर्शन। ये जो प्यारी सी इमारत दिख रही है, कार्यालय नगर परिषद है धौलपुर का। और ये है प्यारा सा घंटाघर, जो कि काफी खूबसूरत लगता है। ये है धौलपुर की लाइब्रेरी, यहाँ पर बच्चों को बहुत सारा ज्ञान मिलता है। अभी हम पहुंच गए हाईवे पे, और ये है मचकुंड वाला गेट। तो अभी दोनों साइड में देख के रोड को करेंगे क्रॉस। गाइस अभी आ गए हम सब्जी मंडी में, देखो उधर है सब्जी मंडी, चलते हैं कुछ साग सब्जी लेके जब निकलेंगे। सुबह की मंडी चकाचक भरी हुई है,
मूरा ले लिया हमने और नींबू ले लिए है एकदम ताजा ताजा। अभी हम पहुंच गए अपने घर और लो देख लो हमारे पापा जी ने आधा काम तो कर ही दिया, रेत को पीछे कर दिया, किसका किसका के काम में लगे हुए हैं। रेत खाली कर दो। लो विवेक और पापा जी दोनों ने रेत को पीछे कर दिया। और मम्मी जी ने गोबर थाप दिया। अम्मा जी डंडा लेके खड़ी है कि जल्दी जल्दी काम करो है। हाँ हंस को देखो बोल रहा है ताऊ मैंने नए कपड़े पहन लिए देखो कितना कैसा लग रहा है बता रहा कमेंट में। बाबू जी लग रहा है नेताजी वोट मांगे चलियो है। वोट मांगे चलिए। ओ तिलक लगा लिया एप्पल का तिलक लगा लिया है। सेब पे तो छटाई का लगा लगा कैसा लग रहा है मस्त लग रहा है। बिंदी मस्त लग रही है मानसु की। सोनी की अभी सब्जी कट रही है करेला बना रही है सोनी है। हाँ। करेला बनाएंगे अभी। आज तो खाना लेट हो गया गाइस। अभी वहाँ से आए फिर बच्चों को स्कूल भेजा। अभी देखो 11:30 का टाइम हो रहा है और हमको लग रही है बहुत तेज भूख। कितना टाइम लगेगा सोनी अभी खाना बनने में। मम्मी भी लगी है साथ में। सोनी बेलती जा रही है मम्मी सेकती जा रही है। और खाएं कहाँ से हम वीडियो अपलोड करने में लगे। अभी नहाना धोना हुआ नहीं है। जब नहाएंगे धोएंगे जब खाना खाएंगे मैंने कही बस वीडियो ब्लॉग वाली अपलोड हो जाए उसके बाद में नहा के खाना खा के फिर कुकिंग वाली कर देंगे। सीरे को रखवा ही करी तो फिर बैला रखवा लेती है चूल्हे जी ना लग गई घाम में ही बनाई रोटी। तो कपड़ा तो उठा दे तो गाइस खाना खा लो। अभी आज बनाई करेला की सब्जी दाल डाल के। सब्जी भी देख सकते हो कितनी बढ़िया है। बस प्रभु का नाम ले खाना खा दे। हमारी अम्मा ने तो खाना खा लिया सोनी बैठी है भूख लगी बहुत तेज आज तो नहाना धोना भी नहीं हुआ। अब नहीं लेट हो गए बहुत बाहर बज गए। अब तो कल नहाएंगे भूख लगी रोटी खाते हैं क्योंकि अभी एक ही वीडियो अपलोड हुई है वीडियो काम ज़्यादा है। कल नहाएंगे हम। बारात में चलो कौन की बारात में कौन की बारात में। नहा धो के बस कपड़े पहन के आया है। ये क्या है पजम्मी और ये है सूट तो इसलिए बोल रहा है ताऊ बारात में चलो। मैं अपना काम करा बस थोड़ी सी आग लगी मेरे आ गया। ताऊ बारात में चलो कौन की बारात में चलेंगे बता कौन की बारात में। ताई कह रही है तो ताई यहाँ पूछेगा कौन की बारात में चलेंगे कौन की बारात में जाएगा पूछ के ताई जा बाबा की तो है तू जब पूछ के था ताई। अभी रेत इकट्ठा करने का काम और बढ़ गया है। पहली ट्रॉली थी वो तो साइड में कर दी दूसरी डली है अभी इसके ऊपर कर रहे हैं। मैंने करी थी दूसरी विवेक ने करी बोल रहे हैं। और दिवाली के टाइम पे वैसे हमने डलवा लिया डबल काम हो गया घर का भी काम और ये भी काम। अंजू भी लगी है बार बार। हिमांशु का सबसे ज़्यादा बड़ा बर्तन है देखो कितना बड़ा बर्तन है हिमांशु का रेत भरने का। यहाँ से भर के ले जाएगा ऊपर डालेगा ले जाके। दोनों काम हो रहे हैं इसमें खेलना भी हो रहा है बच्चों का और काम भी हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि बोलना नहीं पड़ता है अपने आप आ जाते हैं अपने आप। मज़ा आता है ये वाला काम करने में लोगों को। कितने देर होते पावर लगाओ चलो खींचते वो ये पता क्या गाइस। अभी रात का खाना बन रहा है और आज तो काम कर करके थक गए हैं सोनी। आज तो घर की बहुत सफाई कपड़े लत्ते जितने भी थे धो धोवा के साफ के। अभी कितना काम रहेगा सोनी अभी हमारा कमरा और रह गया है बस उसके लिए पेपर वगैरह कटिंग करेंगे
पहुंच जाएंगे। अभी बच्चे खाना खा रहे हैं इधर, योगेश फ्री हो गया और हमारी अम्मा जी अभी आई हैं, अभी खाना खाएंगी भजन पूजा करके। और हम बालू को इकट्ठा कर करके पसीना निकल गया, अभी तक ये सूखी नहीं है बनियान, तो बस इसी को सुखा रहे हैं बैठे 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 और अपना काम कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग। क्या चल रहा है? हाँ ये इतना टाइम देखो कितना, 9 बज रहा है और इनको भूख लगी, दोनों योगेश विवेक को भूख लगी, तो मम्मी को बोल के पोहे बनवा लिया, पोहा योगेश ने बनाए हैं। योगेश ने देखो मैंने मिर्ची प्याज काटी, विवेक ने मिर्ची प्याज काटी है और योगेश ने चौंके, इनको खा के सोएंगे, भूख लग गई इनको। करेला की सब्जी, करेला की सब्जी की वजह से रोटी कम खाई, पहले तो पसंद आती है इन्हें, अच्छा बरेमा ज्यादा खाते। भूख लगी, अभी दोनों खा पी के आराम से सो गए और इस समय रात के 12:15 बज चुके हैं करीब, देख सकते हो आप टाइम, ये देखिए इस समय 11:40 हो रही हैं और हम लगे हैं अपने काम में जो कि अभी एडिटिंग का काम रहता है रात को ज़्यादातर मेरा, तो ये एडिटिंग कर रहा हूँ इस समय। मैंने कि आप टाइम से वीडियो डल जाए बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी दिवाली का टाइम चल रहा है ना, तो घर में भी कुछ काम, और कल तो हम गए थे समोला जिस वीडियो पर आप सबका बहुत बढ़िया प्यार मिला, और आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, पसंद आई तो लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।